पंजाबी सिंगर रैपर सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद हर कोई शॉक में है और ऐसे में उनके माता पिता का दुख शायद ही कोई समझ सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। वेल, बात करें सिद्धू मूसेवाला की तो सिद्धू मूसेवाला के हर गाने पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते थे और अभी भी उनके जो गाने हैं जो उनके यूट्यूब पेज पर हैं, सभी लोग फिर से एक बार अपनी यादें ताज़ा करने के लिए उनको लगातार देख रहे हैं। सेलेब्स के जहाँ रिएक्शन सामने आए तो वहीं उनके फैंस का सैलाब उनकी अंतिम विदाई पर देखने को मिला। आपको बता दें कि लाखों लोग उनकी अंतिम विदाई में पहुंचे और वहां पर उनको मुखाग्नि दी गई। मुखाग्नि देते समय उनके पिता की आंखों में सिर्फ आंसू थे और कहीं ना कहीं धन्यवाद था उन सभी लोगों के लिए जो वहां सिद्धू मूसेवाला की अंतिम यात्रा यानी कि द लास्ट राइड में शामिल हुए। इसके साथ ही आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के पिता जो हैं वो बार बार सभी को धन्यवाद कर रहे थे, यहाँ तक कि पगड़ी उतार कर उन्होंने इंसाफ की गुहार भी लगाई है। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी इंसाफ मिलता है इन दोनों माता पिता को। इसके साथ ही आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की जल्द ही शादी होने वाली थी, यानी कि उनकी शादी पहले अप्रैल में ही हो जाती, लेकिन क्योंकि तब चुनाव थे तो उनकी शादी को टाल दिया गया। अब खबर थी कि सिद्धू मूसेवाला की शादी नवंबर में होती, जिसके लिए उन्होंने एक ट्रैक भी तैयार किया था। जी हाँ, सिद्धू मूसेवाला ने अपनी शादी के लिए एक गाना बनाया था जिसको वो शादी पर या तो परफॉर्म करते या फिर उस पर डांस करते हुए नजर आते। ये बात हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर जो जितनी भी तस्वीरें हैं उसमें देखा जा सकता है कि सिद्धू मूसेवाला के आने वाले गाने और भी बड़े हिट होने वाले थे। इसके साथ ही उनके एक साथी जिनके इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है जेबी सिंह ऑफिशियल, जिनको उनके साथ PBX1 ट्रेंड में देखा गया था, उन्होंने एक कैप्शन के साथ सिद्धू मूसेवाले के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की है जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है, इट स्टिल फील्स लाइक अ बिग लाइन, वी हैड प्लान्ड सो मच टुगेदर, जस्ट 4 days ago ही वॉज इन द स्टूडियो एंड मेड ट्रैक विद अस, वन ऑफ देम वॉज अबाउट हिज मैरिज, हिज न्यू EP वॉज रेडी, एवरीथिंग फेल अपार्ट, आई कैन स्टिल सी हिम टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, I can't believe this. I just had one photo with you, bro, but I never thought that I had to post it on this occasion. आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला अपनी शादी के लिए एक ट्रैक बना रहे थे जिसकी रिकॉर्डिंग के लिए वो लगातार स्टूडियो जा रहे थे और 4 दिन पहले ही उन्होंने अपने इस ट्रैक को खत्म किया था, लेकिन बदनसीबी से वो अब कभी भी अपनी शादी के इस ट्रैक को नहीं गा पाएंगे और ना ही हम कभी उनको आने वाले किसी भी गाने में देख पाएंगे, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला अब हमारे बीच नहीं रहे। उनको अंतिम विदाई देना सच में दिल तोड़ देने वाला था, यहाँ तक कि जितनी भी तस्वीर और वीडियो सामने आ रही थी सब में सिर्फ आंसू ही दिखाई दिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि सिद्धू मूसेवाला अपनी शादी के लिए जो गाना गाने वाले थे उसको आप कितना मिस करने वाले हैं, क्योंकि पर्सनली हम तो बहुत ज्यादा मिस करेंगे, क्योंकि सच में कोई इंसान, कोई बंदा अपनी शादी के लिए एक ट्रैक बनाता है जिसको वो अपनी शादी पर अपनी पत्नी के लिए गाता, बहुत बड़ी बात है। आप देखते रहिएगा फिल्मी बीट।